तो देख सकते हैं दोस्तों, काफी सारे पौधों के नीचे छिपा हुआ था और एग्रेसिव बहुत है। ये देख सकते हैं कितना एग्रेसिव सांप है ये। ओह माय गॉड, यही वाला सांप पटना में भी था। रुकी रुकी रुकी। देख सकते हैं साथियों, ये कोबरा सांप कितने गुस्से में है। ये अभी शिकार कर रहा होगा लेकिन ये अपना शिकार पूरा नहीं कर पाया। और दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जंप करने की मुद्रा में है। ऐसे में सांप जो है अक्सर जंप करके बाइट करते हैं। और बहुत बड़ा नहीं है, ये यंग कोबरा है इसलिए इतना एग्रेसिव है। दोस्तों सावन का समय है और ऐसे में अधिकतर नाग बिल से बाहर आ रहे हैं शिकार करने के तलाश में। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये साइड भी हो रहा है और हमें डरा भी रहा है। दोस्तों ये एक जहरीला सांप होता है, इसके अंदर जो है न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। ऐसा सांप जब भी आपको बाइट करता है तो सबसे पहले साथियों आपको घबराना नहीं है, आपको सीधा सरकारी सदर हॉस्पिटल जाना है, तब आपकी जान बच जाएगी। कभी भी कोई भी जहरीला सांप काटे या कोई भी सांप काटे दोस्तों, झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, वरना आपके लिए खतरा ज़्यादा हो जाएगा। तो देख सकते हैं यह इसका डिफेंसिव एग्रेसिव मोड है। यहाँ से इस पोजीशन में ये खुद को डिफेंस भी करता है और अटैक भी करता है। अगर हम इसके ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो ये अटैक करेगा, वरना ये हमें चेतावनी देगा, डिफेंस की मुद्रा में रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस कोबरा स्नेक को रेस्क्यू करते हैं। कोबरा है, कोबरा देख सकते हैं काफी अग्रेसिव से है, डब्बा निकल जाएगा। दोस्तों आज जो है नाग पंचमी है और इस अवसर पर हमें यह गुस्सैल कोबरा सांप मिला है। तो चलिए हम इसका रेस्क्यू कर लेते हैं, फिर हम इसे ले जाकर फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे। दोस्तों रेस्क्यू शुरू करते समय काफी सावधानी बरतनी होती है। ढक्कन दीजिएगा, फेंक दीजिएगा।